हेलो, ऐसी ये व्रत वाली रेसिपी है जो झटपट से बन कर के तैयार होने वाली है और खाने में बहुत ज़्यादा अच्छी लगती है और कम तेल में बन जाती है। तो इसके बनाने के लिए चलते हैं। और एक ग्राइंडर जार ले लिया, उसमें मूंगफली दाना ले लिया है मैंने, और मूंगफली दाना का मैंने एक मिश्रण बना करके तैयार कर लिया है। बारीक मिश्रण है, इस तरीके से बना करके तैयार कर लिया है। इसके बाद मैं दो आलू ले लिए हैं, छील करके साफ़ सुथरे पानी में मैंने डाल के रखा है, और एक कद्दूकस छोटी वाली जाली है वो ले लिए है, साथ में पानी रखा है। पानी रखने से आलू काले नहीं पड़ेंगे और पूरे आलूओं को हमें ग्रेट करना है इस तरीके से। ग्रेट करने के बाद में धोना है, सारा इसका स्टार्च निकल जाना चाहिए, और जो मूंगफली का मिश्रण बना के रखा था वो ले लिया है। और ये रेसिपी झटपट से बन करके तैयार होने वाली है, बिल्कुल थोड़े से ही सामान में, और खाने में बहुत ज़्यादा अच्छी लगती है। और एक बार ट्राई ज़रूर कीजिएगा। और कुछ मसाले नहीं डालती व्रत में, जो खाते हैं आप खाते हो ज़्यादा, जैसे हल्दी है बहुत से खाते हैं, अदरक है, ये सब डालना, लेकिन मैंने हरी मिर्ची और फरारी नमक डाला है और ग्रेट किए हुए आलू हैं वो डाल लेते हैं इस तरीका से। आलूओं का पूरा पानी निकाल कर ही लेना, पूरा पानी निचोड़ लेना है, हाथों से नहीं निकले तो एक कपड़ा लेकर के उससे पूरा पानी निकाल देना। और जो मूंगफली का मिश्रण था और आलू थे उसको अच्छी तरीका से हमें मिलाना है, पानी बिल्कुल भी नहीं करना, पानी छूटते हैं आलू। और मैंने तेल ले लिया है कढ़ाई में, और छोटे छोटे पकोड़े की टाइप पे हमें तेल में डालना है, और धीमी आंच रखनी है इसकी, गैस का फ्लेम धीमा रखना है। दोस्तों कच्चे में आप पलटोगे ना तो फूटने लगेंगे, इसलिए अच्छी तरीके से सेक जाना चाहिए, और हाई फ्लेम पे सेकेंगे ना तो जल जाएंगी। प्लीज धीमी आंच पर सेकिए, और सेक करके तैयार है। आप चाहे तो चटनी के साथ व्रत वाली चटनी बना करके खा सकते हो। अगर मेरी मेहनत आपको थोड़ी सी भी अच्छी लगती हो तो लाइक करें, और कैसी लगी मेरी रेसिपी कमेंट करें। मिलती हूँ अगले वीडियो में। बाय।